हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर चिंतन बी पटेल। मैं पाइल्स, फिशर और फिशुला का क्वालिफाइड एक्सपर्ट डॉक्टर हूं और सर्जन हूं। जिंदगी में कभी ना कभी काफ़ी सारे लोगों को पाइल्स फिशर की तकलीफ हो सकती है। पाइल्स और फिशर ये दोनों ऐसी कंडीशन है, दोनों कंडीशन में बहुत बार इंसान पीड़ा में रहता है, दर्द में रहता है, जीना कठिन हो जाता है। रूटीन एक्टिविटीज फॉलो करना या काम पर ध्यान देना या स्टडी करना कभी कभी तकलीफ में हो सकते हो। जब भी ऐसी कोई तकलीफ होती है तो काफ़ी सारी आम जनता और मरीज कंफ्यूज हो जाता है कि उनको पाइल्स यानी मसे या हिमरॉइड्स है या फिर फिशर यानी चीरा है। ये दोनों कंडीशन दोस्तों अलग अलग कंडीशंस है जिसमें कभी कभी ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स थोड़े से चेंज रहते हैं। यदि आपको पाइल्स फिशर की तकलीफ है तो आज हमारे इस वीडियो में हम आपको पाइल्स और फिशर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलैरिटीज है, और ऐसी कुछ मलद्वार की कंडीशन जिसको हम फिशुला यानी बगंदर बोलते हैं, ये कंडीशन कैसे अलग है ये दोनों कंडीशन से, इसके बारे में हम यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। यदि आपको पाइल्स, फिशर या फिशुला या फिर मलद्वार की जगह पे कोई दर्द रहता है और तकलीफ रहती है तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जो सरल भाषा में समझने में आपको आसान देगी और आपको एक यूजफुल नॉलेज और साइंटिफिक कंटेंट एक सिंपल लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों पाइल्स यानी गुच्छे हो जाते हैं, खून के गुच्छे जो मलद्वार की जगह पे बड़े हो जाते हैं, सूज जाते हैं। ये आमतौर पे अंगूर जैसे गुच्छे बन जाते हैं और जब भी मलद्वार की जगह से यानी दोस्तों ये मलद्वार है जिधर से स्टूल यानी मोशन यानी मल नीचे त्याग करने के समय ये जो नीचे का हिस्सा है जो 2-4 सेंटीमीटर का हिस्सा, ये 2-4 सेंटीमीटर के हिस्से पे ये जो गुच्छे खून के अगर फूक जाते हैं तो क्या होता है, दीवार पतली हो जाती है। अगर हम बलून में हवा भरते हैं और ज़्यादा हवा भरते हैं तो क्या होता है, ये बलून फूट सकता है। वैसे ही ये जो खून के बलून से या खून के गुच्छे ये जब साइज में बढ़ जाते हैं और मल त्याग करने के समय जब घसारा होता है, घर्षण होता है या फिर कोई कारण से आपको कब्ज हो गया और संडास कड़क हो रहा है, मोशन कड़क हो रहा है या फिर डायरिया हो गया, इस समय पे ऐसे समय पे कभी कभी ये गुच्छे जब फूटते हैं तो पिचकारी जैसे ब्लीडिंग होता है, हाँ जिसे स्प्लैश ऑफ ब्लड। बहुत बार दर्द नहीं रहता ज़्यादा लेकिन एकदम धार आ जाती है खून की। अगर ऐसा टाइप का ब्लीडिंग है फ्रेश लाल कलर का, फ्रेश रेड कलर का, तो ये अक्सर पाइल्स यानी मसे यानी हिमरॉइड्स के लक्षण हैं। कभी कभार इसमें दर्द हो सकता है अगर ये पाइल्स में खून जम गया, थ्रोम्बोज हिमरॉइड हो गया या खून के गुच्छे बाहर अटक गए अचानक से, तब ये जनरली दर्द करता है, वरना ये पेनलेस फ्रेश रेड ब्लीडिंग रहता है जिसको हम पाइल्स के लक्षण के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसी जगह पे ये जो मलद्वार की जगह पे है तो मैं उदाहरण के रूप में आपको समझा रहा हूँ कि इधर कोई चीरा हो गया यानी कट लग गया। अगर एक कट लग गया तो ये दीवार फट गई है। अगर आपके मुंह में कोई छाला हो जाता है या फिर स्किन पे कोई खरोच हो जाती है तो जो जलन भयानक रहती है, दर्द एकदम तेज रहता है, एकदम ब्लेड जैसा दर्द होता है। तो जब भी स्टूल पास करने के टाइम, मल त्याग करने के टाइम एकदम तेज दर्द हो रहा है, भयानक दर्द हो रहा है, एकदम असह्य पीड़ा हो रही है, ब्लेड रख दी या मिर्ची रख दी ऐसा टाइप का जलन हो रहा है, एकदम एरिया संडास करने के बाद, मोशन पास करने के बाद एकदम टाइट टाइट लग रहा है, एकदम आपको ऐसा लग रहा है कि 1-2 घंटे तक उधर बहुत स्ट्रांग पेन हो रहा है, तो ये अक्सर फिशर के लक्षण रहते हैं जिसमें मेन तकलीफ पेन रहता है, दर्द रहता है, पीड़ा रहती है। कभी कभार ये कट में से हल्का सा 1-2 बूंद ब्लड गिर सकता है जो स्टूल के पास आपको एक लाइन जैसा दिखेगा या फिर 1-2 ड्रॉप ब्लीडिंग दिखेगा, लेकिन ये जनरली फिशर का पेन रहता है। फिशर में जनरली पेन ज़्यादा रहता है और पाइल्स में तकलीफ सूजन या फिर ब्लीडिंग ज़्यादा रहता है। तो ये दोनों अंतर हो गए पाइल्स और फिशर के बारे में। दोस्तों अभी ऐसी एक कंडीशन रहती है जिसको बोलते हैं फिशुला। फिशुला यानी मलद्वार का जो जगह है उधर एक इन्फेक्शन हो गया, रसी हो गया, जो मलद्वार के जब है जो ग्रंथि रहती है इधर कोई इन्फेक्शन लग जाता है ग्रंथि में तो उधर पक जाता है इन्फेक्शन, फोड़ा हो जाता है और ये फोड़ा मलद्वार के जगह पे एक अंदर एक सुराख बनाता है जिसको हम इंटरनल ओपनिंग बोलते हैं और उधर से ही एक रास्ता, सुरंग, टनल बाहर चमड़ी पे यानी जो खुले का भाग रहता है आजू बाजू में मलद्वार की जगह पे एक फुंसी जैसा दिखता है जिधर से पल्स आपको बाहर दिखता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग। तो इंटरनल ओपनिंग से एक्सटर्नल ओपनिंग तक का जो रास्ता रहता है, जो टनल रहता है, इसको बोलते हैं फिशुला। तो फिशुला में अक्सर सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है
पाइल्स और फिशर में 70-80% ट्रीटमेंट, डाइट, मेडिसिंस, एक चेकअप सेफ्टी के लिए आपके सर्जन के पास, और फिर वो जो मार्गदर्शन देते हैं उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे इस वीडियो से पाइल्स, फिशर और फिशुला, ये तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है ये समझने में आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन मिली है। आपको पाइल्स की तकलीफ है, फिशर की तकलीफ है या फिशुला की तकलीफ है, कौन सी तकलीफ आपको ऐसा लग रहा है वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। आपको क्या लक्षण है और आप क्या ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हो, जिससे हमको एक बेहतर समझ मिले कि आम जनता में क्या प्रॉब्लम्स ज़्यादा है और इसके लिए आप क्या उपाय फॉलो कर रहे हो, क्या डाइट फॉलो कर रहे हो, क्या मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, वो भी कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, जिससे आप उनसे बात कर सके और अगर आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़े तो आगे के स्टेप में आप आपके सर्जन को दिखा सकें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों।